इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, चलिए अब आज हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज स्कार्सिटी। देखो स्कार्सिटी क्या होता है, देखो स्कार्सिटी एक सिचुएशन होता है, कमी मतलब कि हमारी कमी है, मैं इस चीज़ की स्कार्सिटी है। डॉक्टर नहीं बोलता है कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया, आपके ब्लड में विटामिन सी की कमी है, SHE, विटामिन सी। ठीक है, जस्ट जोकिंग, दिल पे नहीं लेना, विटामिन सी। ठीक है, मैंने कहीं मीम पढ़ा था, विटामिन सी की कमी है। ठीक है, तो यो वाला विटामिन सी मत समझना, ये हम इससे विटामिन मत, इसका मतलब क्या हुआ कि कमी है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है। तो स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी वो सिचुएशन है जहाँ पे हमें जितना चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है, सप्लाई उतना नहीं, उससे कम है। और ये क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स क्या है तुम्हारे, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, स्कार्सिटी होती है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू द सिचुएशन, एक वैसी परिस्थिति है जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं और उनके जो डिमांड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, उतना हो नहीं पाता है, तो स्कार्सिटी होती है। जैसे त्योहारों के टाइम में दूध की स्कार्सिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो अब ये होता है कि हर इकोनॉमी में, देखो जब चीज़ों की स्कार्सिटी होगी तो इस कमी से क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो, बी की कमी हो, हर चीज़ की कमी हो जाए तो तुम बीमार पड़ोगे, नहीं पड़ोगे, ऑब्वियसली बात है पड़ोगे, तो इसका मतलब प्रॉब्लम होगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होते हैं, हर इकोनॉमी को में कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम कन्फर्म है, चाहे कोई भी इकोनॉमी ले लो, हर इकोनॉमी के कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ उन्हें प्रॉब्लम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड है नहीं, वो लिमिटेड है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दो रीजन की वजह से होता है, ये दो है बदमाश जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एक बदमाश का नाम है लिमिटेड रिसोर्स और दूसरे बदमाश का नाम है अनलिमिटेड वांट्स। हम लोग अनलिमिटेड चाहते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है भाई, कितना पैसा चाहिए, पैसा 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 क्या चाहिए। जब तुम बच्चे थे तुम्हें साथ दुनिया का सारा खिलौना चाहिए, जब बड़े हो गए तो तुमको दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक फोन्स, गैजेट, ज्वेलरी, सोना, कितना ज्वेलरी आपको चाहिए, मैं आपको रोज़ नया दिखाऊंगा, आपका अंत ही नहीं होगा। आप खरीदते 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 अंत ही नहीं, इंडी नहीं है। ठीक है, आपको कितने हॉलीवुड के खतरनाक खतरनाक से एक्शन मूवी दिखा दें, कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, कितने पिज्ज़ा खा लोगे, कोई हिसाब नहीं है, कितने बिरयानी खा लोगे, कोई हिसाब नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन भैया जेबी में पैसा तो लिमिटेड रहने वाला है ना, तो मरो, रोते रहो। ठीक है, तो बेसिकली दो रीज़न है हमारे, एक है तुम्हारा लिमिटेड रिसोर्स और दूसरा क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, और तीसरा भी होता है कि भाई कमी तो है, उस रिसोर्स को 10 जगह तुमको लगाना है, पैसा लिमिटेड है 50,000, लेकिन दुनिया भर के काम में पैसा लगाना है, तो इससे उनकी उपयोगिता क्या होगी, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राज हुए, लिमिटेड वांट्स नहीं, गलती बोल दिया, अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज लिमिटेड और रिसोर्सेज के काफ़ी सारे अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा सेंडर प्रॉब्लम, ये एक VBI टॉपिक है। सेंडर प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या होता है, देखो तीन मेजर सेंडर प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, जल्द फटाफट इसको देखते हैं। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या होगा, हम क्या प्रोडक्शन करें, क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, हर इकोनॉमी में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जो क्लास गुड्स तो काफ़ी तरह के होते हैं लेकिन प्राइमरी दो, एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। आप यहाँ डिफिनेशन में देख सकते हो। देखो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, देखो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर यूज करता है, एक प्रोड्यूसर बनाता है और दूसरा प्रोड्यूसर उसको यूज करता है अपने यहाँ प्रोडक्शन में। जैसे उदाहरण के लिए ट्रैक्टर का एग्जांपल, देखो ट्रैक्टर लेट से सोनालिका ने ट्रैक्टर बनाया, सोनालिका क्या है, एक प्रोड्यूसिंग गुड्स प्रोडक्शन कंपनी है, उसने क्या किया, गुड्स बनाया, लेकिन अब उसके इस गुड्स को यूज कौन करेगा, हम आप यूज करेंगे, कभी ऐसा होगा कि बोले पापा भूख लगा है, पापा बोले जाओ बेटा वो ट्रैक्टर का टायर खा लो जाके, ऐसा हुआ है, पापा भूख लगा है जाओ उसका इंजन चाट लो, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, उसका उपयोग कौन करेगा, एक फार्मर ही यूज करेगा, फार्मर क्या करेगा, ऐसा नहीं अपने बच्चों को जाकर खिलाएगा भाई, फार्मर उसको खेत में ना यूज करेगा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो क्रॉप्स ग्रो करेगा। तो सोनालिका कंपनी ने एक ट्रैक्टर बनाया, उस कंपनी को, उस ट्रैक्टर को एक दूसरे प्रोड्यूसर ने यूज किया, तो कैपिटल कैसा, ये कैसा गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स होता है वो गुड्स जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में अदर गुड्स के। ठीक है, वो होता है कैपिटल गुड्स। फिर होता है कंज्यूमर गुड्स। देखो कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, वो होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। चलिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक बात बताओ, अगर हमारी इकोनॉमी में काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे अभी हमारा इंडिया में मेक इन इंडिया चल रहा है, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है कि दुनिया भर से अलग अलग प्रोड्यूसर्स हमारे यहाँ आके गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जब हमारे इतने सारे प्रोड्यूसर आते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लोगों को नौकरी पर भी रखना होगा,
तो लोगों को क्या होगा, सैलरी भी मिलेंगे, सैलरी मिलेगा तो इकोनॉमी का क्या होगा, ग्रो होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस बनेंगे, टैक्स से रोड का उस इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया जाएगा। तो आपने देखा कि अगर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स ज़्यादा होता है तो उससे हमारे इकोनॉमी के जीडीपी बढ़ने के चांसेज रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होता है वो गुड्स जो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, जो कंज्यूमर अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए करता है। आखिरकार आपका गुड्स मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, तभी तो आपको पैसा मिलेगा, तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो आप इकोनॉमी अपने कंपनी वगैरह को ग्रो कर पाओगे, तभी तो आप अपने लोगों को सैलरी तनख्वाह दे पाओगे। तो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इकोनॉमी का कि भाई हम ज़्यादा किस पर ध्यान दें, दोनों ज़्यादा बनाएं, किसी एक को ज़्यादा बनाएं, एक ज़्यादा बनाओगे तो दूसरे से नुकसान हो जाएगा, तो ये है प्रॉब्लम। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस। देखो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हो गया प्रोडक्शन कैसे किया जाए। देखो प्रोडक्शन करने के ना दो बेसिक हमारे तरीके होते हैं, एक होता है आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करो और दूसरा होता है आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहाँ पे मैं मोर एंड मोर मशीन्स यूज करता हूँ प्रोडक्शन करने के लिए, जहाँ पे मैं मशीन्स से ज़्यादा काम करूँगा और लेबर का मात्रा क्या रखूँगा, लेबर से मतलब कम लोगों को नौकरी पर रखूँगा। और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है, आप लेबर्स लोगों को ह्यूमन को ज़्यादा रखते हो, मशीन्स को कम रखते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर आप लेबर ज़्यादा काम करवाते हो तो भैया पैसे ज़्यादा लगेंगे, सैलरी देना होगा, छुट्टी लेगा, बीमार पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन करने की क्षमता थोड़ी सी कम होगी। अगर आप मशीन्स ज़्यादा रखते हो तो मशीन से क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, आप दिन भर 2400 घंटा चला सकते हो उसको, छुट्टी नहीं लेगा, घूमने फिरने नहीं जाएगा, ठीक है। तो मशीन से काम कराओगे तो आपका आउटपुट ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, खर्चा कम लगेगा। तो इकोनॉमी आखिरकार यूज करे तो करे किसको, ये हमारा दूसरा। और तीसरा है होम, WHO फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस होता है कि हम रिच के लिए बनाएं या पुअर के लिए बनाएं, हम अमीरों के लिए बनाएं या गरीबों के लिए बनाएं, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ होम टू प्रोड्यूस इज फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द प्रोडक्शन शुड बी डन, दैट इज फॉर रिच और पुअर। हम अमीरों के लिए, अमीर के लिए बनाओगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, और गरीब के लिए बनाओगे तो भैया दुआएं मिलेंगी और तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि इकोनॉमी को ये डिसाइड लेना होता है कि हम कौन सा काम करें कौन सा नहीं करें, ठीक है। हम अमीरों के लिए बनाएं, हम मशीन्स ज़्यादा यूज करें कि लेबर यूज करें, हम कैपिटल गुड्स बनाएं कंज्यूमर गुड्स बनाएं। तो ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम था, जहाँ पे प्रॉब्लम है तो वहाँ सॉल्यूशन होगा, जहाँ धूप है वहाँ छांव भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ भी समस्या होगी उसका कुछ ना कुछ समाधान भी होगा। तो बिल्कुल ये अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारे होते हैं, बेसिकली तीन तरीके की इकोनॉमी है, तीन अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी है, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ हमारे इकोनॉमी हम देख रहे हैं, तो तीनों इकोनॉमी जो है हमारे सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड, ये इन इकोनॉमी तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अपने अपने तरीके से स्टाइल में करते हैं। जैसे मैं अपने हेयर को ऐसे स्टाइल करता हूँ, ठीक है, आप हो सकता है कि उल्टा ऐसे करें, कोई हो सकता है कि पीछे करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम अलग है, टाइप नेचर लोग भी अलग तरीके हैं, तो काम करने का भी तरीका क्या होगा, अलग होगा। किसी को बाथरूम जाना है तो फ़ोन यूज करके जाएगा, ठीक है, बिना फ़ोन चलाए बिना गाना सुने उसे बाथरूम में नहीं होगा। कोई होता है न्यूज़पेपर लेके जाता है, कोई होता है भाई उसे कुछ नहीं चाहिए, वो शांति से बैठे रहना चाहता है। तो मतलब चूंकि नेचर अलग अलग है तो फिर भैया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक हमारे प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम, पहला जो हमारा है जैसे मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी आखिरकार इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, तो मार्केट इकोनॉमी क्या करेगा। देखो मार्केट इकोनॉमी इज ए सेल्फिश इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी आपके वो सेल्फिश दोस्त की तरह है, जिसको जहां फायदा दिखेगा वो वहीं जाएगा, वो फायदे के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता है, उसका अपना प्रॉफिट चाहिए, उसे फायदा चाहिए। तो मार्केट इकोनॉमी इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी वही चीज़ को चूज करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। अगर वो देखेगा कि कैपिटल गुड्स बनाने से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो कैपिटल गुड्स क्या करेगा, ज़्यादा बनाएगा। अगर वो कंज्यूमर गुड्स बनाने से ज़्यादा फायदा है तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएगा। अगर रिच के लिए काम करके उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो रिच के लिए करेगा, नहीं तो पुअर के लिए काम करेगा, ठीक है। हालांकि मतलब पुअर के लिए तो काम करेगा, पुअर से कभी उसे पैसा नहीं मिलेगा, वो रिच के लिए काम करता है। तो देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या करेगा, वो वैसे गुड्स बनाएगा जिससे उसको क्या हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम लगे, ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो। अगर कंज्यूमर गुड्स बनाने से उसको ज़्यादा फायदा होगा तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएगा, अगर कैपिटल गुड्स बनाने से ज़्यादा फायदा होगा तो कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएगा। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा। देखो अगर वो मशीन्स अगर उसे दिखता है, अगर वो एनालाइज किया कि मैं अगर मशीन्स ज़्यादा लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो ऑब्वियस बात है मशीन्स को ही यूज़ करेगा, वो लेबर लोगों को नौकरी से निकाल देगा, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी।
और अगर वो ये देखता है कि अगर मैं लेबर के लिए लेबर रखने से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो मैं लेबर के लिए ज़्यादा काम, लेबर लोगों को नौकरी पर रख लेगा, ठीक है। और तीसरा होम टू प्रोड्यूस, वो रिच के लिए काम करेगा, अगर रिच के लिए ज़्यादा पैसा करने से ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो रिच के लिए करेगा, नहीं तो वो पुअर के लिए काम करेगा, ठीक है।